पर्सनलिटी एक नदी होती है, वह अपनी लय में चलती है, अपनी एक बाउंड्री में चलती है और सभी को पानी प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है और एक अच्छा दृश्य बनता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या बहुत तूफान आ जाए तो वह नदी जब अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है तो बाढ़ आ जाती है, या अगर समुद्र है तो सुनामी आ जाती है और वह विनाशकारी ही साबित होती है। ठीक वैसे ही हमारा मन उस नदी के भांति ही है कि जब तक उसमें सकारात्मक विचार इस परमात्मा से वह जुड़ा हुआ है तब तक तो वह हमारे अनुसार काम करेगा, हमारे हित में काम करेगा। लेकिन जब भी उसमें नकारात्मक विचार आ जाए या वह मन मोह माया की तरफ ज्यादा हो जाए तो वह हमारे विनाश के लिए कार्य करता है। बिना आध्यात्म से जुड़े हम इस मन को हमेशा लयबद्ध तरीके से चला नहीं सकते, क्योंकि सत्संग जी इस संसार में इतनी मोह माया है और इस संसार में हम ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम कैसे अपने मन में सकारात्मक विचार लाएं, कैसे इस परमात्मा से अपने मन को जोड़ें ताकि ये संसार में रहते हुए भी मोह माया में ना फंसे। तो शास्त्र में भी एक बात आती है कि हर कार्य पर दिन याद कर, हमारे हाथ भले ही कार्य कर रहे हो, हमारा तन जो है वह हमेशा संसार में विचरण कर रहा हो, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा गुरु के प्रति विश्वास, हमारा मन हमेशा इस परमात्मा का सुमरण करे। सत्संग जी तभी हम अपने मन को इस संसार की बुराइयों से बचा पाएंगे, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बना पाएंगे। जैसे बीज होता है, अगर हम उसे गमले में रोपें तो सत्संग जी उसके पेड़ बनने के चांसेस ज्यादा नहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर उसी बीज को किसी धरती के साथ रोपा जाए तो सत्संग जी वह एक पेड़ की तरह खड़ा होता है। ठीक वैसे ही अगर इस संसार में आके हमने सिर्फ भौतिकता को ही देखा तो हमने अपने जीवन के उद्देश्य को ही खत्म कर लिया और हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पौधे बनके ही रह जाएंगे। आवश्यक है कि हम इस मूल से अपने आप को जोड़ें, इस परमात्मा से अपने आप को जोड़ें ताकि हम अपने मनुष्य जीवन का सही लाभ उठा पाए, पेड़ बन पाए। इसके लिए आवश्यक है कि सद्गुरु हमारे जीवन में हो, ज्ञान की दृष्टि हमारे पास हो और इस संसार में रहते हुए हम इस परमात्मा का सुमरण हर समय कर पाए। सत्संग जी प्यार से करिए। जैसे दासी ने विनती की थी, कवरेज से आई हुई बहने दीक्षा जी, आकृति जी, यशस्वी जी, ये अपनी रचना हम सभी के समक्ष रखेंगी।